सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। हजारीबाग जिले के झंडा चौक स्थित बड़ा अखाड़ा में पुजारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उन्होंने राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा गांव के एक पुजारी को कुछ लोगों ने मिलकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, जहां उनका जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मुख्य आरोपी को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है, पर पुजारियों में काफी आक्रोश है। पुजारियों ने कहा कि बाबूलाल वैष्णव की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है, ऐसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं है। पुजारियों का कहना है कि घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ित परिवार वालों से मिलने की कोशिश नहीं की। हजारीबाग रुद्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में साधु संतों की हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे देश का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। देश की पहचान साधु संतों से होती है और उनकी हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसी घटना दोबारा न घट सके। हजारीबाग से आशीष कृष्णन की रिपोर्ट। अखाड़ा में महान जी की अध्यक्षता में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य मुद्दा यह है कि राजस्थान के कपौरा जिले के एक मठ में वहाँ के जो पुजारी थे बाबूलाल वैष्णव जी की पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई, जला दिया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह मांग करते हैं कि सरकार, राज्य सरकार की दो नीति क्यों, एक स्थान पे हाल में ही कुछ दिनों पहले एक स्थान पे घटना घटी तो पूरे देश के नेता, मीडिया के भाई बहनों ने वहाँ पे उनको स्थान दिया और वहाँ पे उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ा। मैं आग्रह करना चाहूँगा सारे देश के नेता से और हमारे मीडिया भाइयों से कि इस घटना, राजस्थान की घटना पर भी ध्यान दिया जाए और वहाँ उस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पूरे पार्टी फौज के साथ उस स्थान पे गई और हंगामा बरपाई, षड्यंत्र किया गया वहाँ पर, लेकिन आज राजस्थान में वो लोग नहीं दिख रहे हैं, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट आया है। आखिर क्यों? उसका कारण यह है कि वहाँ पर राज्य सरकार कांग्रेस की है, इसी कारण से वो लोग वहाँ पे एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की और उस परिवार, पीड़ित परिवार के लिए कोई भी संवेदना प्रकट नहीं की। यहाँ तक कि राज्य की जो सरकार है वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी अभी तक एक बार उस परिवार से मिले नहीं और ना ही अपनी संवेदना प्रकट।